हाँ जी बेटा, हमारे पास बेटा मॉड, मैंने मॉर्निंग में भी बताया था, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। हाँ जी, मॉड एक ऐसी वैल्यू है दैट इज यूज्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली, बहुत ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी यूज हो, ठीक है। और हमने मॉड अब कैलकुलेट करना है ग्रुप्ड डाटा का। इससे पहले सारा आप जो है 9th में कर चुके हो, हमने मॉड सिर्फ ग्रुप्ड डाटा का करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो डाटा है वो ग्रुप्ड डाटा होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल बताने लगी हूँ आपको, एक्सरसाइज जो है 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं करने लगी हूँ। उसमें मेरे पास डाटा दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में एजिस, मेरे पास जो है इन ईयर, ओके, और सेकंड मेरे पास होंगे दूसरी तरफ दिया हुआ है नंबर ऑफ पेशेंट्स, ओके। अब बेटा यहां पर मेरे पास दिया हुआ है 5 to 15 एंड नेक्स्ट 15 to 25, नेक्स्ट मेरे पास होंगे 25 to 35, देन 35 to 45, देन 45 to 55 एंड आफ्टर देन 55 to 65 मेरे पास जो है, ओके बेटा। अब यहां पर मेरे पास जो वैल्यूज दी हुई है पेशेंट्स की, 6, 11, 21, 23 एंड देन 20, 14 एंड देन 5, ओके बेटा। मुझे कहा गया है फाइंड द मॉड एंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा एंड कंपेयर एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। मैं सिर्फ मॉड करवा रही हूँ क्योंकि मीन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने मॉर्निंग में भी ये बताया था, जो ये ग्रुप्ड डाटा होता है जिसमें क्लास इंटरवल्स दी जाती हैं, इसमें मॉड कैलकुलेट करने के लिए हमारा सबसे पहला मेथड होता है, सबसे पहला मॉडल क्लास ढूंढना। मॉडल क्लास का मतलब है ऐसी क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। अगर आप फ्रीक्वेंसी में देखो सबसे ज्यादा ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, आई डिनोटेड दिस एज F1, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होती है बेटा, मैं इसको डिनोट करती हूँ मॉडल क्लास, ओके। इससे पिछले वाली फ्रीक्वेंसी को मैं F0 डिनोट करती हूँ और इससे नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को मैं F2 डिनोट करती हूँ, ओके बेटा। अब मेरे पास जो मॉड कैलकुलेट करने का, ग्रुप्ड डाटा का मॉड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, जो मैंने प्रीवियस पीरियड में भी आपको बताया था, मॉड इज इक्वल्स टू L+F1 - F0 over, ओके, 2 times F1 - F0 - F2। अब बेटा L, मैंने आपको प्रीवियस पीरियड में बताया था, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, और लोअर लिमिट कितनी है 35 प्लस F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, वो कितनी है 23 माइनस F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द जो है क्लास इंटरवल प्रिसीडिंग टू द मॉडल क्लास, प्रिसीडिंग मतलब पिछले, तो दैट इज 21 over 2 into 21 - F0 फ्रीक्वेंसी। देखो सब कुछ टेबल में दिया है, 21 - 40, इसको कैलकुलेट करो एंड इनटू एच, एच हमने लगाया ही नहीं यहाँ पर, एच जो होता है इसका साइज, दोनों का क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 45 - 35 कितना होता है, यानी सारे के साथ ये मल्टीप्लाई होता है, ओके बेटा। तो यहाँ पर 35 प्लस ये कितना होगा 2 2 into 10 20 over, ये कितना हुआ 42 - 5, ये 35, अब माइनस करेंगे तो 7, ये लीजिए अब डिवाइड कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ये मेरी मॉड होता है, मॉड मैंने आपको फिर बता रही हूँ, मॉड मींस कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है।
मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वैल्यू. ओके बेटा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वैल्यू. क्लियर मेरा बेटा? ठीक है जी, अब एक और क्वेश्चन करते हैं. लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, जो है हम लोग करते हैं मॉड कैलकुलेट करने का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स. सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वही बार बार स्टेप्स है, सब कुछ बार बार वही है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स वी विल डू. लेट अस सी. दे जस्ट राइट अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन ए रोड. एक रोड पे जो है नंबर ऑफ कार्स कितनी पास आउट हो रही है फॉर ए पीरियड ऑफ ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज इट इन अ टेबल गिवन बिलो. फाइंड द मॉड ऑफ द डाटा. अब उन्होंने कहा है कि 3 मिनट्स के लिए वो कितनी कार्स आ रही है, तो दे जस्ट राइट. ओके, तो उसने देखा नंबर ऑफ कार्स जो है उसने स्पेसिफाई किया, तो दे जस्ट राइट नंबर ऑफ कार्स एंड देयर फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है. ओके, 0 to 10 जो है वो 7 कार्स आती है. ओके, देन 10 to 20 दैट इज मेरे पास हो गए 14 कार्स. देन 20 to 30, पहले हम सारा क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, 30 to 40. देन मेरे पास हो गए 40 to 50. आफ्टर देन मेरे पास हो गए 50 to 60. देन 60 to 70. आफ्टर देन 70 to 80. 7, 14, 13, 12, 20, देन 11, 15 and 8. ये मेरे पास डाटा दिया हो और मुझे कहा गया है कि बेटा कैलकुलेट द मॉड ऑफ द डाटा. वही मतलब मुझे बार बार ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है दैट इज रिपीटेड मोस्ट फ्रीक्वेंटली. तो बेटा मैं क्या करूंगी, सबसे पहले व्हाट आई हैव टू डू, मैं देखूंगी सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो कौन सी है. हाँ जी, कौन सी है? जस्ट रेज योर हैंड, जल्दी जल्दी कौन बताएगा मुझे हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन. हाँ जी, जल्दी रेज योर हैंड. 10th D आप लोग कर चुके हो. हाँ जी विषम, ओके दिव्यांश, चलिए बेटा. हाँ जी दिव्यांश, अनम्यूट कीजिए. यस मैम. मैम इसमें पहले हम मॉड्यूलर क्लास ढूंढेंगे, 20 क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू है, तो 40 to 50, और उससे उससे 11 जो है मैम वो H2 हो जाएगा. बिल्कुल जी, ये F1, F2 और ये F0, बिल्कुल करेक्ट है बेटा. और उसके बाद जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि लिखा जरूर करो मॉडल क्लास जो है दैट इज माय 40 to 50, और फिर मेरा L40 हो गया, H मेरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दैट इज 10 हो गया मेरे पास. हाँ जी बेटा, यस वेट, यहाँ जो सारी बेटा हमने वैल्यूज कैलकुलेट की ना मॉड की, एक फॉर्मूले पर ही बेस्ड है. फॉर्मूला आता है तो यू आर एबल टू कैलकुलेट. और जितने सारे क्वेश्चंस जो हैं, 6 क्वेश्चंस हैं, 2 हमने क्लास में डिस्कस किए और एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज सेम. ओके, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है. आपको ये पता होना चाहिए एल क्या है, आपको ये पता होना चाहिए F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है. ओके बेटा, क्लियर, बात समझ आई सबको? चलो मैं 10th D C. अभी भी आपको कहीं पे लगता है कि हमें नहीं क्लियर, मैं बता दूं जो भी क्लास इंटरवल होता है ना A to B 10 to 20, जो पहली वैल्यू है वो लोअर लिमिट होती है, जो 10 to 20 का जो 20 है वो अपर हाईएस्ट वैल्यू होती है. ठीक है जी, और H कैसे निकालते हैं, दोनों को डिफरेंस करके. क्लियर? ठीक है बेटा जी, चलिए अब नेक्स्ट. अब ध्यान से मीडियन, अब ये 10C आप ध्यान से साथ में भी कर सकते हो क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मीडियन. ठीक है, मीडियन भी एक सेंट्रल टेंडेंसी का जो है टाइप कह लीजिए अडॉप्टेड है उसमें. अब इसमें क्या होता है बेटा, मीडियन में क्या हमारे पास बेसिकली होता है,
ये पूरे डाटा को, मीडियन मतलब एक ऐसी वैल्यू है जो पूरे डाटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मीडियन एक ऐसी वैल्यू है जो पूरे डाटा को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। मान लीजिए मेरे पास एक वैल्यू थी 1, 3, 5, 7, 10, ठीक है ना, क्लियर कट। मैं 5 को मीडियन कहूंगी क्योंकि 5 के इधर देखो, ये 5 से छोटे नंबर, ये 5 से बड़े, ये पूरे डाटा को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहे। अगर मेरे पास 6 नंबर होते, 1, 3, 5, 6, 7, 10 सपोज ये होते, तो मेरा मीडियन 5.5 होता, वो पूरे डाटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। आपने 9th में मीडियन निकाला हुआ है, अगर आपको याद हो 9th में मीडियन पता कैसे निकालते थे, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रॉ डाटा की, अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड मतलब देखो यहाँ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, सिंपल एक्साइज है, एक्स आई। तो हम क्या करते थे, मेरे पास रुके, हम सबसे पहले डाटा को ऑर्गेनाइज करते थे। मीडियन का ये पहला रूल होता है, हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते थे आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, अनग्रुप्ड डाटा में अगर आपको याद हो। तो फिर हम क्या करते थे, हम 8 से ये बच्चों को करवाते हैं, फिर हम देखते थे कि n ऑड है कि n इवन है। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, इवन है कि ऑड है, हम वो कैलकुलेट करते थे। फिर हम देखते थे कि अगर मेरे पास n ऑड है तो हम मीडियन क्या लिखते थे बेटा, मीडियन इज इक्वल टू साइज या वैल्यू ऑफ, कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, साइज या वैल्यू जो है ऑफ n प्लस 1 बाय 12th आइटम, n प्लस 1 बाय 12th आइटम अगर n ऑड है। लेकिन अगर n इवन होता है तो हम कहते थे मीडियन इज इक्वल टू जो है वैल्यू ऑफ n बाय 12th आइटम प्लस वैल्यू ऑफ n बाय 12th प्लस 1 बाय 2, या कई बार यहां मीन ऑफ भी लिख दिया जाता। हमने ये 8th और 9th में मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एम आई राइट? सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, थम्स अप कर दो अगर आपने पढ़ा है। 10CD सबने पढ़ा होगा मुझे लगता है, 9th 10th में सिर्फ 3-4 बच्चों ने पढ़ा है, बाकी किसी ने नहीं 9th 10th में, 9th में ऐसे ही बस। चलो नहीं पढ़ा तो अब आपको पता लग गया होगा, ठीक है। अब हमने तो 10th में बेटा ग्रुप्ड डाटा की बात करनी है ना, वी हैव टू टॉक अबाउट द ग्रुप्ड डाटा। ग्रुपिंग मतलब मेरे पास जो है उसमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 मैं ग्रुप बना देती। मैं 10th सी के लिए ये रिपीट कर रही हूँ सारा का, ओके? नहीं तो ये सारी ग्रुपिंग मेथड ये सब हम ऑलरेडी मीन में कर चुके हैं, तो ध्यान से सुनना इस चीज को, ओके बेटा। हमने बात करनी है यहाँ पर ग्रुप्ड डाटा की, ठीक है। डिस्क्रीट डाटा भी होता है, 3 तरह के डाटा होते हैं, एक जो अभी हमने किया रॉ डाटा, फिर होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट डाटा का मतलब है मेरे पास जो है हर एक्स आई के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है बेटा फ्रीक्वेंसीज होना। ये लीजिए एक्स आई के कॉरेस्पॉन्डिंग, मैं कहूं क्लास में 0 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हैं, कहें 3, 1 मार्क लेने वाले 2, 2 मार्क लेने वाले 1, ठीक है, 3 मार्क्स लेने वाले 6, 4 मार्क्स लेने वाले 10 बच्चे, 5 मार्क्स लेने वाले 8 बच्चे, ये डिस्क्रीट डाटा, ओके? हम बात कर रहे हैं ग्रुप्ड डाटा की। अब बेटा ध्यान से देखना कि ग्रुप्ड डाटा में मेरे पास जो है
मीडियन कैसे निकाला जाता है। पहले फॉर्मूला लिखूंगी फिर समझाऊंगी आपको, ओके। पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगी कि ग्रुप्ड डाटा का जो है, मैं पहले एग्जांपल जरूर लिखूंगी ग्रुप्ड डाटा में, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। लेट अस राइट 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये ग्रुप्ड हो गया, मैंने ग्रुप बना दिए, ठीक है। मान लो 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, 5 है, कुछ भी, ओके जी। ये मेरे पास, मैंने इसका मीडियन कैलकुलेट करना सीखना है। सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास पहला स्टेप होता है इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना, बहुत जरूरी है। क्या कैलकुलेट करना? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ऐड करनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे? पहला एज इट इज लिखना, इसमें अगला ऐड कर दो, 2 plus 3 राइट 5, इसमें अगला ऐड कर दो 6, इसमें अगला ऐड कर दो 10, इसमें अगला ऐड कर दो। आपका ये जो लास्ट है ना, ये वही बनता है जो आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल बनता है। बोथ वैल्यू शुड बी सेम, अगर सेम नहीं आ रही तो आपने कोई ना कोई गलती की, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता चल गई कैसे निकालते, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी को हम कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। आप समेशन एफ आई लिख दो या कैपिटल एन लिख दो, वन इज द सेम थिंग, ओके क्लियर, वन इज द सेम थिंग। एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, फ्रीक्वेंसी एन, तो उसको हम समेशन एफ आई से भी, समेशन का मतलब प्लस और एफ आई मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, ठीक है बेटा। अब मेरे पास समेशन एफ आई है, मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये दो स्टेप करने बहुत जरूरी। अब मैं फॉर्मूला लिखने लगी हूं, मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखिए, फिर वैल्यूज पुट करेंगे। मेरे पास मीडियन इज इक्वल टू, और ये मीडियन का फॉर्मूला किसके लिए? ग्रुप्ड डाटा के लिए और किसी के लिए नहीं। लोअर लिमिट प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओवर एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला है। अब इसमें ये क्या है, एल एच एफ सी एफ एन, एन तो मैंने बता दिया है ना आपको कि ये होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहला स्टेप मीडियन में एन बाय टू कैलकुलेट करो, एन बाय टू किया, 15 बाय टू किया, 7.5। अब ये 7.5 कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है, वो कैसे चेक करते हैं? ये फ्रीक्वेंसी है, ये कौन से क्लास इंटरवल में आ रही है, यानी हमने मीडियन क्लास इंटरवल निकालने के लिए, जैसे वहां मॉडल क्लास इंटरवल निकालते थे, यहां मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? 7.5 लाइज बिटवीन 6 and 10, 6 और 10 के बीच में ही लाई करती है ना, तो जो 6 तक तो यहां वैल्यूज आ गई 20 to 30। अब मेरे पास जो है वैल्यू 6, 7.5 वो 10 वाले में आएगी, ये देखिए इसमें, तो ये मेरी 30 to 40 मेरी मीडियन क्लास है, दिस इज माय मीडियन क्लास। ओके, अब मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, ये एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन आपको पता चल गया, पता है ना टोटल फ्रीक्वेंसी, एच जो है साइज ऑफ द मीडियन क्लास या विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एफ ये जो है, ये भी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास,
बट जो सीएफ है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रिसीडिंग मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से जो पीछे है, वो वाला सीएफ होता है, सीएफ 6 एफ 44 एल मुझे पता चल गया 30 मैं यहां सी एफ पिछली क्लास इंटरवल की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो यहां लेते हैं, एफ जो मीडियन क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी 4, एल लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एच विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, 40 माइनस 30 कितना आया 10, देखो सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई, कोई ऐसी वैल्यू है जो रह गई, एल पता चल गया, एन बाय टू मैंने निकाल दिया, सी एफ निकाल दिया, एफ निकाल दिया, एच निकाल दिया, बस। यस दिव्यांश बेटा, हाँ जी बेटा अनम्यूट कीजिए बेटा, दिव्यांश अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है वही एन होता है? हाँ जी, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, फ्रीक्वेंसी भी वही होती है, टोटल समेशन एफ आई, वो भी तो एन, कैपिटल एन से हम कई बार लिख देते हैं। ओके हम फिर आपको 2 से डिवाइड क्यों किया बेटा? ये मीडियन का मिडल वैल्यू निकालने के लिए हमने ये देखा कि टोटल पूरी टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दे, यही हमारा फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले में है ही n by 2, तो हमने n by 2 ही करना पड़ेगा ना। ओके, हमने पूरे डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स है, आगे ना आप हायर क्लासेस में जाके जब स्टैटिस्टिक करते हो, कॉमर्स में या बीएससी में जाके, सॉरी बीबीए वगैरह में, बीएससी इकोनॉमिक्स में, तो वहां पर वो क्वार्टरली डिवाइड करता है, तो वो यहाँ पर 4 लगा देते हैं, वो डिपेंड अपॉन कितने पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर। अब सारी वैल्यूज आपको पता है, तो आप यहाँ पर पूरी वैल्यूज पुट कर दीजिए, वो वैल्यू जो है वो मेरी मीडियन आ गई, 30 प्लस एन बाय 2 7.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास 4 इंटू एच मेरे पास कितना है 10। ओके बेटा, अब सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आया 30 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना हो गया 15 बाय 4, डिवाइड कीजिए और वो 30 में ऐड कर दीजिए, दिस इज योर मीडियन। आई नो इट इज डिफिकल्ट फॉर 10C टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको कोई भी उसका वो नहीं पता है, बट एटलीस्ट फॉर्मूला को लर्न कीजिए, मेथड समझिए, है ना, जब आप पूरा डाटा पूरा थ्योरी चैप्टर कर लोगे मैम से तो आपको क्लैरिटी हो जाए, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी, मैं सिंपल क्वेश्चन, अभी इसका मीडियन का हमारा काम रहता है आपको बताना, तो वी विल डू इट टुमारो। यस आर्यन, यस आर्यन बोलिए बेटा, आई एम नॉट एबल टू लिसन टू यू बेटा, मूव करके दोबारा एंटर कीजिए, फिर आपको शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन अगेन देन, ठीक है। लेट अस डू एक्सरसाइज 14.3 फर्स्ट क्वेश्चन, ओके 14.3 फर्स्ट क्वेश्चन। अभी जो मैंने बताया आप ध्यान से, सिर्फ बेसिकली इस चैप्टर में 3 फॉर्मूलेज है, 4 एक और फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें मेरे पास क्या दिया हुआ है 14.3 का क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट में उन्होंने लिखा है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। उन्होंने कहा फाइंड द मीडियन मॉड मीन, आप सब कुछ निकालो, ठीक है, मैं सिर्फ अभी मीडियन डिस्कस करूंगी, मॉड और मीन आप खुद करोगे क्योंकि वो हमारे पिछले टॉपिक का पार्ट है, ठीक है जी। तो मेरे पास जो है डाटा क्या दिया हुआ था, मैं सिंपल क्लास इंटरवल्स यहाँ लिख रही हूँ, सिंपल फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ एफ आईस, ओके 65 to 85, नाउ 85 to 105, नेक्स्ट
105 to 125. Now the next मेरे पास जो है 125 to 145 और 145 to 165 and the next is 165 to 185, 185 to 205. Okay, and the frequencies are given to me 4, 5, 13, 20, 14, and 8, 4, or total diya hua hai 68. Okay, median calculate karna hai. Pehla step n by 2 calculate karna, aur dusra step CF calculate karna. Chahe aap pehle CF kar lo, doesn't matter, it is totally up to you. To sabse pehla cumulative frequency. पहला एज इट इज इसमें ये ऐड किया 9 में ये ऐड किया 21 41 में ये ऐड किया 55 63 चेक कर लो मैंने कोई मिस्टेक कर दी. देखो मुझे कैसे पता चला कि मैंने कोई ना कोई मिस्टेक की है क्योंकि जब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ना मेरे पास 67 बन रहा है. ये दोनों सेम होने चाहिए ना, है ना. तो रियान ने गलती पकड़ ली हमारी. चलो रियान बताइए बेटा कहाँ कैलकुलेटिंग मिस्टेक की. 22 आएगा मैम. बिल्कुल जी, चेक कर लिया मैंने, देख लिया 22 आएगा. यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ 2, 1, 4 अपने आप सही हो गया. ठीक है, मैंने यही एक्टिवनेस आपकी देखनी थी. गुड, चलिए देखो मैंने सेम आ गया, मुझे पता है मैंने बिल्कुल करेक्ट किया. ओके नाउ फर्स्ट स्टेप एन बाय टू 68 बाय 2 34. अब 34 कौन सी दो CF के बीच में आ रहा है, 22 और 42. देखो यहां तक 22 वाली वैल्यूज वो यहां तक है, उससे आगे वाली इसमें आती है ना. तो ये मेरी मीडियन क्लास है, ऐसे लिखा करो मीडियन क्लास. ओके अब मीडियन क्लास है तो मुझे लोअर लिमिट पता लग गई और मुझे एच पता चल गया. 145 माइनस 125 कितना आया 20. फिर फ्रीक्वेंसी यही वाली, सीएफ पिछले वाली, सब कुछ टेबल में मेंशन करना. अब फॉर्मूला लिखे, वी हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द सीएफ मीडियन सॉरी. तो मीडियन का क्या फॉर्मूला, एल प्लस हमने अभी किया ना एन बाय टू माइनस जो है मेरे पास सी एफ बाय एफ इंटू एच. पुट ऑल द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर, है ना. आई थिंक ये भी 10C को ये तो बात समझ आ गई होगी कि मीडियन निकालते कैसे. जब मैम करवाएंगे शुरू से तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, है ना. आई थिंक सो. 10C सबको समझ आ गया, है ना. दोनों क्लासेस, हाँ जी. नो रिस्पॉन्स फ्रॉम सो मैनी स्टूडेंट, ओनली 2-3 आज रही है थम्स अप मैम, इट इज क्लियर. ठीक है चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो. चलिए लेट अस ट्राई. अभी इसका पार्ट रहता है क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, वो आप सब कर सकते हैं. उसके अगले क्वेश्चन मुझे करवाने पड़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज. हरी अप ऑल ऑफ यू, ट्राई इट एंड टेल मी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी जल्दी बेटा.